जीके का हमारा तो पाग नंबर 5 है, तो मैंने इससे पहले सीआर और वीडियो अपलोड कर दिए जो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। जो आगामी राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार और हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1994 में हुई थी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? ये मास या बायोलॉजिक पार्क जोधपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ का प्रथम जैविक उद्यान मास या बायोलॉजिक पार्क जोधपुर में। ओके फ्रेंड्स, देश की पहली खजूर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई, मतलब कहाँ बनाई गई? सोपासनी जोधपुर में बनाई गई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश की पहली खजूर पौधशाला सोपासनी जोधपुर में बनाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊँट को राज्य पशु 30 जून 2014 को घोषित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ऊँट को राज्य पशु 30 जून 2014 को घोषित किया गया है। राजस्थान में कुल कितने आखेट निश्चित क्षेत्र है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 33 है। राजस्थान में कुल कितने आखेट निश्चित क्षेत्र है? 33 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पक्षियों का स्वरूप किसे कहा जाता है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पक्षियों का स्वरूप केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। ओके फ्रेंड्स, भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय बाघों का घर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ओके फ्रेंड, थोक एवं लातला नमक वनस्पति का थोक एवं लातला नमक वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सरिस्का अभियान में पाई जाती है। सरिस्का अभियान कहाँ है? अलवर में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जंतु समूह टोड की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये मरु उद्यान जैसलमेर में पाई जाती है जंतु समूह टोड की प्रजाति। ताल सापर अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह रिपीटेड क्वेश्चन है ताल सापर अभियान वाला, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल सापर का अभियान। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में है, और ये राजसीमंद और पाली की सीमा में स्थित है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। ओके फ्रेंड्स, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सांगवान बांस कहाँ पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सांगवान बांस सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लघु एवं कुश नामक जल स्रोत कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लघु एवं कुश नामक जल स्रोत प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है, लघु और कुश नामक जल स्रोत। ओके फ्रेंड्स, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये फुलवारी की नाल, ये तो मतलब 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा? ये संबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ग्रेट बाउंड्री फोर्ड का निर्माण कहाँ होता है? ये कोटा में होता है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेत का तितर किसे कहा जाता है? ये बटवड़ नामक पक्षी को कहा जाता है। रेत का तितर किसे कहा जाता है? बटवड़ नामक पक्षी को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सोन सीढ़िया किसे कहा जाता है? ये गोडवान पक्षी को कहा जाता है सोन सीढ़िया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान का सांगवान किसे कहा जाता है? ये रोइडा के फूल को कहा जाता है रेगिस्तान का सांगवान। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगवान वन पाए जाते हैं? ये दक्षिणी क्षेत्र में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में सांगवान के वन पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, 100% आने की संभावना है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक कृषि का बोया गया क्षेत्र कौन सा? ये बाड़मेर है। राजस्थान के सर्वाधिक कृषि का क्षेत्र कौन सा? ये बाड़मेर है। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? ये नॉर्मन बोरलॉग के। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन, अन का कटोरा राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्री गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन का कटोरा। और ये फ्रेंड्स, यानी ये पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर और पटवारी दोनों के अंदर ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मतलब इस बार भी आने की संभावना है। अन का कटोरा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। तो ओके फ्रेंड्स,
तो हम आज की हमारी तो सीरीज़ तो हम यही समाप्त करते हैं। तो चैनल को फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना फ्रेंड्स। तो मैंने तो बहुत ही कम समय के अंदर आपको मतलब अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है, जो आगामी राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी में आपको सफलता हासिल करने के लिए रामबाण सिद्ध होगी। ओके फ्रेंड्स, और मैं इससे मतलब इससे भी मतलब शानदार शानदार और वीडियो अपलोड करने की तो कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।